हाँ सर बताइए, ठीक है जगह? हाँ सर ये ठीक है। जय माता दी। चलो बोलो जय माता दी। कैलेंडर शूट के लिए किसी आइलैंड पे जाते हैं, उनके साथ उनके फोटोग्राफर हैं, उनके दोस्त हैं, और वहाँ पे एक एक का मर्डर शुरू हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, मुझे उम्मीद है कि लोग इसका बहुत मज़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पे नारियल फोड़ने आ गया, इनको शुभकामनाएं दूँ। और हमारा अरविंदर इसमें हीरो है, तो मुझे और भी खुशी है। अरविंदर बहुत अच्छे सिंगर हैं और इसमें हीरो भी बन रहे हैं पहली बार, तो मुबारक। दूसरी फिल्म से काफ़ी डिफरेंट है? बिल्कुल अलग है, ऐसी फिल्में आती नहीं है, देखिएगा मज़ा आ जाएगा। इंटरनेशनल मॉडल से इसमें काम करते हैं। ये देखिए, एक तो ये खड़ी, दो हमारे साथ। आप किस तरह क्या कर रहे हैं? हमारा कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कैरेक्टर को। मेरा नाम, मैं कहना चाहूँगी कि आप मूवी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इट्स गोना बी अ वेरी गुड मूवी, सबको बहुत अच्छी लगेगी। कम एंड वॉच द मूवी। लोगों को पसंद आएगा, क्या इसमें डिफरेंट है? इसमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिफरेंट है। इट्स मोर अबाउट आवर इंडस्ट्री, अबाउट अस, सो यू गाइस शुड ट्राई वॉच। इट्स मोर अबाउट रियलिटी। तो इसमें क्या क्या मसाले इसमें रखे गए, एंटरटेनमेंट टाइप या कॉमेडी टाइप, क्या है वो आप आके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हम आपको थैंक यू बता देंगे, आप फिर देखेंगे कैसे। थैंक यू। फोन भी नहीं सर यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा थोड़ा। अरे बड़ा 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 भाई, देखिए।
नहीं मीट कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा किरदार हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, बहुत अच्छी बड़ी अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी करनी चाहिए। और किरदार भी अच्छा है और बहुत मुझे लगता है कि एक नई तरह का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हो। नहीं भाई, शायद यही अट्रैक्शन। खैर, वो फिल्म की स्टोरी ऐसी है कि उसमें 12 इंटरनेशनल मॉडल्स हमने लिए, वही एक नई अट्रैक्शन है और उसी के इर्द-गिर्द सारी स्टोरी घूमती है और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल सब एक तरह से नए तो आप नहीं कह सकते हैं, सबने कुछ ना कुछ काम किया हो। हाँ, मूवी सबके लिए एक पहली मूवी हो सकती है, लेकिन जहाँ कैमरा फेस या एक्टिंग की बात है, सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो एकदम आप वो नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्रेश हैं। बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मूवी सबके लिए पहली मूवी है। जी, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हर मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए और मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 6 से 9 जो भी अपने अपने सरकारें हैं, जो भी उनके राज्य हैं, उसमें अपनी अपने भाषा को, अपनी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए, कर सकते हैं। जिस तरह से आपने एल्बम काफ़ी किया है, फिल्मों में लीड रोल में आने की ज़्यादा कंफ्यूज है? ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सलीम भाई, मेरा जो बहुत हिट गाना हुआ था पानी शराब में, उसको भी रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था और वो गाना बहुत हिट हुआ। और एज ए लीड इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपको करना है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो गाना हिट हुआ था, तो सलीम भाई के साथ ये फिल्म भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हिट होगी। क्या इसलिए भी आपके गाने, आपकी आवाज़ सुनाई देगी? हाँ बिल्कुल, वो तो मेन चीज़ है, मैं बिल्कुल गा भी रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। नहीं, बस एक अच्छी फिल्म हम लेके आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और अच्छी फिल्म लाएंगे और आप सब लोग एक अच्छी फिल्म को एंजॉय करेंगे, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये एक कहानी है 12 मॉडल्स की। एक इवेंट में 12 मॉडल सेलेक्ट होते हैं और एक आइलैंड पर जाते हैं और एक थ्रिलर है ये और एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट है। म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, अरविंदर जी ने इसमें बहुत अच्छे गाने कंपोज किए हैं और श्याम पुरबिया एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनका आज हमने गाना रिकॉर्ड किया है, जावेद अली का, बहुत ही अच्छा सूफी सॉन्ग है, वो आप लोगों को भी सुनाया जाएगा, आप लोग वो भी ऑडियंस को दिखाएंगे, बहुत बढ़िया गाना है। और ये एक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक कमर्शियल फिल्म है, जो ऑडियंस चाहती है हम ने वो देने की कोशिश। लिखा हुआ है हाँ, तो इसका मीनिंग ये है कि जो ये एक सटायर है, कैलेंडर के जितने भी शूट होते हैं उनके ऑडिशंस पूरे साल होते हैं। अभी 2015 शुरू हुआ है और 2016 के लोगों ने कैलेंडर के शूट शुरू कर दिए हैं, उनके एजेंट्स, फोटोग्राफर्स सारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो हर साल एक नया कैलेंडर पेश करती हैं, उस कैलेंडर के पीछे क्या क्या राज हैं, ये क्यों कैलेंडर बनाए जाते हैं। कैलेंडर तो आप नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल आपको 5 रुपये से लेके 50-100 रुपये तक कैलेंडर आपको मिल जाता है, लेकिन ये जो ग्लैमरस कैलेंडर होते हैं
ये लोग अपने लिए क्यों बनाते हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म। सर अरविंदर सिंह जी के बारे में क्या कहना है? अरविंदर सिंह जी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिंगर तो सब जानते हैं कि अरविंदर सिंह बहुत सालों से गाना गा रहे हैं पानी शराब में, और जितने भी इनके शराब के गाने हिट हुए, हालांकि शराब कभी पीते नहीं है, लोगों को शराब पीने के लिए गाने पेश करते हैं कि लोग इनके गाने सुन के शराब पिए, तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ होगा, पूरा शराबी माहौल है बट ये शराब नहीं पियेंगे। सर जिस तरह से लोगों जी बोलिए, जिस तरह से फिल्म में बाहर मॉडल है, किस तरह से कास्टिंग की है, किस तरह से उसके बारे में बताएंगे? कास्टिंग तो ये कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो फॉरेन से आए हुए हैं, कुछ हमारे हिंदुस्तान के मॉडल हैं, इंडिया में भी बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तो इसमें आधे आधे 5-6 मॉडल बाहर के हैं, 5-6 मॉडल इंडिया के हैं, और सब अच्छे गुड लुकिंग मॉडल्स हैं और अच्छी एक्ट्रेसेस हैं लोग, तो जिनको डांस अच्छा आता है, जिनको एक्टिंग अच्छी आती है। सर तो हमने इस तरह सेलेक्शन किया, हमारे पास अभी 40-45 मॉडल्स शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से हमने 12 सेलेक्ट किया। सर इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ होने वाली है और दर्शकों को कब देखने को मिलेगी? ये फिल्म बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको, शायद अगस्त या सितंबर में, क्योंकि एक शेड्यूल इसका है बॉम्बे में इंडोर जो है, और आउटडोर इसका होगा गोवा में, गोवा में बीचेस जो हैं तो गोवा के बीचेस पे हम शूट करेंगे, और बहुत खूबसूरत फिल्म होगी इतना मैं आपसे। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अरविंदर को, इसका इसके साथ एक्टिंग कैरियर भी शुरू हो रहा है, और हम दोनों साथ में थे शुरू में जब हमने एक्टिंग कोर्स किया था, उस वक्त से तो ये गाने में बिजी रहा, अब इसको मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और उम्मीद करता हूँ अच्छी फिल्म बनेगी, लोगों को पसंद आएगी, तो पूरी टीम को मेरी मुबारकबाद। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने शायद बहुत कम गाने गाए हैं स्क्रीन पे, उनमें से 2 गाने तो इसी ने गाए हुए, जिसमें एक पंजाबी फिल्म थी और एक सलमान की फिल्म थी, तुमको ना भूल पाएंगे, उसमें मेरे कुछ 2-4 लाइनें थी वो इसी ने गाई थी, तो बहुत खुशी है मेरे को कि इसका कैरियर शुरू हो रहा है एक्टिंग में, तो अच्छी फिल्म बने, मेहनत करें सब लोग, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कहता हूँ। 12 महीने का इसका शूट होने वाला है, इसमें 12 लड़कियां हैं और 365 डेज लिखा हुआ है, ये शूट का 12 शूट क्या पूरा साल चलता रहेगा इसका या कुछ ऐसा? 12 मैं देख रहा हूँ कि लड़कियों पे बड़ा जोर दे रहे हो, 12 जो ज़रूरत होगी ना कहानी के अंदर, 12 एक्टरों की ज़रूरत होगी, तो उसी हिसाब से रखी गई है, तो कहानी वैसी होगी, कहानी मुझे पूरी नहीं मालूम है, तो जो ज़रूरत के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन बना होगा कि अपना हौसला जेम्स बॉन्ड का रोल कर रहा है और साथ में 10-12 खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, तो जो भी है कहानी की ज़रूरत के हिसाब से होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छी बने ताकि लोगों को पसंद आए। हिंदी में तो अभी टाइम लगेगा, बाकी पंजाबी में मेरी 2 फिल्में शुरू होंगी अभी, बाकी साउथ में तो मैं करता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट सबको। हीरो लग रहे हैं, हीरो है भाई। कैलेंडर शूट सर आज मुहूर्त है जी, मैं यहाँ पर आया हूँ, जो हमारे सलीम भाई हैं ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, और अरविंदर सिंह जी जो हैं, अरविंदर सिंह जी इनसे भी दोस्ती है, तो इन्होंने मुझे इस फिल्म की बारे में बताया था, अभी मैंने अंदर गाना सुना, गाना बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं सिर्फ अपनी दुआएं देना आया हूँ दोस्ती में कि भाई इनकी जो फिल्म बने ये एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाएँ, और ये फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट। अरविंदर सिंह
सिकंदर जी ने गाना सपोर्ट किया है, डेब्यू कर रहे हैं, उनके अंदर उनके कैरियर के लिए कैसे? देखिए भाई, मैं एक बात बताऊं, जहां तक अरविंदर सिंह जी का ताल्लुक है, बड़े हैंडसम, खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त दिखने वाले इंसान हैं। इतना अच्छा इन्होंने पहले भी काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत रोल करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और जिस तरह का सब्जेक्ट है जो इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगता है कि ये लोग मिलकर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, खुशनसीब है, ये ऐसी खुशनसीबी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये वैसे भी लकी रहे हैं, तो 12 लड़कियां हैं, और अभी मैंने जैसे पोस्टर देखा अप्रैल मई जून, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी लकी गाय। और जो है सलीम भाई जो है इस लाइन में बरसों से, इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है हर चीज़ का, ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है, ये खुद गाना बहुत अच्छा गाते हैं, इनके मैंने काफ़ी गाने सुने हैं, और ये प्रोडक्शन में भी थे, ये डायरेक्शन में भी थे, इनको फिल्म के बिजनेस के बारे में भी बहुत समझ है। तो मुझे लगता है कि इतना जो एक्सपीरियंस है वो जमा करके अब इन्होंने ये सोचा है कि फिल्म बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। सर, आपके फिल्म की बात करें तो वेलकम बैक कब तक आएगा? वेलकम अभी बस 2-3 महीने में आ जाएगी। सर, एक महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नो कमेंट, अभी उस पर कुछ मैंने पढ़ा नहीं, ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं दे सकता हूँ। अनिल जी, एक आखिरी सवाल, अच्छे खासे निर्देशक और लेखक होने के बाद बावजूद आप में अमीन सयानी कहाँ से आ गए? अमीन सयानी, मैं उनका बहुत बड़ा बहुत बड़ा मैं फ़ैन रहा हूँ, और ये आपका मतलब मुझे लगता है ज़्यादा प्यार है मुझसे, वरना अमीन जी जो है वो तो आवाज़ की दुनिया के जो है वो बहुत बड़े जादूगर है, बादशाह है, उनके सामने कोई क्या बोल सकता है। लेकिन हाँ, मेरा ये कह सकते हैं आप कि मेरा अंदाज इसी तरह का है बोलने का, तो ये आपका प्यार है, अदरवाइज ही इज़ वेरी वेरी बिग मैन, और बहुत अच्छा उन्होंने बरसों मतलब रेडियो पर जो है वो राज किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।